वेलकम बैक टू अवर चैनल अपने स्कूल। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 2। डियर चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, लेट्स आइडेंटिफाई ज्योमेट्रिकल शेप्स। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। लेट्स आइडेंटिफाई ज्योमेट्रिकल शेप्स, यानी आओ पहचाने हिंसी शक्लें। ज्योमेट्रिकल शेप्स को उर्दू में हिंसी शक्लें कहते हैं। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन यानी हिदायत दी गई है। एज शोन इन द पिक्चर, ट्रेस द एजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विथ योर पेंसिल एंड ड्रॉ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्व द साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तस्वीरों में दिखाए गए तरीकों से चीजों के किनारों के गिर्द पेंसिल फेर कर शक्ल बनाओ, और शक्लों के किनारों का मुशाहिदा करो। तैयार होने वाली शक्लों के नाम पढ़ो। यहाँ पर कुछ चीजों की तस्वीरें दी गई है। इन चीजों के किनारों के गिर्द आपको पेंसिल फेरना है, और जो शक्ल बनेगी उसका मुशाहिदा करके उस शक्ल का नाम पढ़ना है। तो चलिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट यानी पहली चीज को देखते हैं। ये है मैच बॉक्स यानी माचिस की डिबिया। इसके एजेस यानी किनारों पर पेंसिल फेरने पर आपको इस तरह का शेप यानी शक्ल बनती हुई नजर आएगी। दिस इज अ रेक्टेंगल। इस शेप का नाम रेक्टेंगल है, और उर्दू में इसे कहते हैं मुस्ततील। अ रेक्टेंगल हैज फोर साइड्स। रेक्टेंगल को फोर साइड्स होते हैं, यानी मुस्ततील को चार बाजू होते हैं। रेक्टेंगल के फोर साइड्स कौन से हैं? ये है रेक्टेंगल के फोर साइड्स। अब देखते हैं सेकंड पिक्चर। ये है कॉइन की पिक्चर। कॉइन के एजेस यानी किनारों पर पेंसिल फेरने पर आपको इस तरह का शेप यानी शक्ल बनती हुई नजर आएगी। दिस इज अ सर्कल। ये है सर्कल। इसे उर्दू में दायरा कहते हैं। अ सर्कल हैज ओनली वन कर्व एज एंड नो स्ट्रेट साइड। सर्कल यानी दायरे को सिर्फ एक खमदार किनारा होता है, और इसे एक भी सीधी बाजू नहीं होती है। खमदार किनारा यानी सर्कल का कर्व एज कौन सा है? ये है सर्कल का वन कर्व एज। अब देखते हैं थर्ड पिक्चर। ये है हैंगर की पिक्चर। हैंगर के एजेस यानी किनारों पर पेंसिल फेरने पर आपको इस तरह का शेप यानी शक्ल बनती हुई दिखाई देगी। दिस इज अ ट्राइंगल। इसका नाम ट्राइंगल है। इसे उर्दू में मुसल्लस कहते हैं। अ ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स। ट्राइंगल को थ्री साइड्स होते हैं, यानी तीन बाजू होते हैं। ट्राइंगल के थ्री साइड्स कौन से हैं? ये है ट्राइंगल के थ्री साइड्स। अब देखते हैं लास्ट पिक्चर। ये है डाइस की पिक्चर यानी पासे की पिक्चर। इसके एजेस यानी किनारों पर पेंसिल फेरने पर आपको इस तरह का शेप यानी इस तरह की शक्ल बनती हुई दिखाई देगी। दिस इज अ स्क्वायर। इस शेप का नाम स्क्वायर है। इसे उर्दू में मुरब्बा कहते हैं। अ स्क्वायर हैज फोर साइड्स। स्क्वायर को भी फोर साइड्स होते हैं, यानी चार बाजू होते हैं। स्क्वायर के फोर साइड्स कौन से हैं? ये है स्क्वायर के फोर साइड्स। यहाँ पर एक बात पर हम गौर करेंगे। रेक्टेंगल के भी फोर साइड्स है और स्क्वायर के भी फोर साइड्स है। फिर हम कैसे पहचानेंगे कि ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है? तो याद रखिए, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स यानी आमने सामने के साइड एक जैसे होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये रेक्टेंगल के दो साइड्स एक जैसे हैं, यानी अपोजिट साइड्स एक जैसे हैं। उसी तरह ये वाले अपोजिट साइड्स एक जैसे हैं। इसे कहते हैं रेक्टेंगल। जिसके अपोजिट साइड्स एक जैसे हो वो रेक्टेंगल होता है, लेकिन स्क्वायर में जो है, स्क्वायर के फोर साइड्स एक जैसे होते हैं। यहाँ पर आपको स्क्वायर के फोर साइड्स एक जैसे नजर आ रहे हैं। तो जिस शेप के फोर साइड्स एक जैसे हो वो स्क्वायर होता है, और जिस शेप के अपोजिट साइड्स यानी आमने सामने के साइड एक जैसे हो वो रेक्टेंगल होता है। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है। ट्राई द फन एक्टिविटीज गिवन बिलो। नीचे दी गई मजेदार सरगर्मियां करके देखो। यहाँ पर फोर एक्टिविटीज दी गई है जिसे आपको करके देखना है। एक्टिविटी नंबर वन है, मेक अ पेपर बोर्ड, अनफोल्ड इट एंड काउंट द नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स एंड फोर साइडेड फिगर्स एंड कलर एनी टू ट्राइंगल्स एंड फोर साइडेड टू फिगर्स। इस एक्टिविटी में आपको कागज की एक नाव बनाना है। इसे खोलकर इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं और कितने फोर साइडेड फिगर्स यानी कितने चौकोन हैं उन्हें गिनना है, और इनमें से टू ट्राइंगल्स और टू फोर साइडेड फिगर्स यानी दो चौकोन में आपको रंग भरना है। एक्टिविटी नंबर सेकंड है, मेक ट्राइंगल्स एंड फोर साइडेड फिगर्स।
यूजिंग मैच स्टिक्स और स्मॉल वुडन स्ट्रिप। माचिस की तीलियों या लकड़ी की छोटी छोटी पट्टियों की मदद से मुख्तलिफ फोर साइडेड फिगर्स यानी चौकोर और ट्राइंगल बनाओ। एक्टिविटी नंबर थर्ड है, फाइंड आउट द टूल्स ऑफ गेम्स इन विच यू सी ट्राइंगल्स, फोर साइडेड फिगर्स एंड सर्कल्स। खेलों की किन चीजों में आपको ट्राइंगल्स, फोर साइडेड फिगर्स यानी चौकोर और सर्कल दिखाई देते हैं, तलाश करो। और लास्ट एक्टिविटी यानी फोर नंबर की एक्टिविटी है, मेक अ पिक्चर यूजिंग द शेप्स ट्राइंगल, फोर साइडेड फिगर एंड सर्कल एक्सेट्रा। यानी यहाँ पर आपको फोर साइडेड फिगर यानी चौकोर, ट्राइंगल और सर्कल जैसी शक्लों की मदद से दिलचस्प तस्वीर बनाना है। तो चलिए एक्टिविटी नंबर फर्स्ट करके देखते हैं। एक्टिविटी नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है, पेपर की बोर्ड बनाना है और बोर्ड बनाने के बाद उसे अनफोल्ड यानी उसे खोल देना है। ये है पेपर की बोर्ड। अब इसे अनफोल्ड करने पर यहाँ पर बाजू में आपको जो पेपर नजर आ रहा है, इस तरह का अनफोल्ड किया हुआ पेपर आपको नजर आएगा। इसमें आपको क्या करना है, ट्राइंगल और फोर साइडेड फिगर्स काउंट करना है और काउंट करने के बाद टू ट्राइंगल्स और टू फोर साइडेड फिगर्स को कलर करना है। तो चलिए टू ट्राइंगल्स को कलर करते हैं और टू फोर साइडेड फिगर्स को कलर करते हैं। ये एक्टिविटी आपको खुद से करके देखनी है। अब देखते हैं एक्टिविटी नंबर सेकंड। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, मैच स्टिक्स यानी माचिस की तीलियों या लकड़ी की पट्टियों की मदद से अलग अलग ट्राइंगल्स और फोर साइडेड फिगर्स बनाना है। मैंने यहाँ पर मैच स्टिक्स यानी माचिस की तीलियों का इस्तेमाल करके यहाँ पर ट्राइंगल्स बनाए हैं और फोर साइडेड फिगर्स बनाए हैं। इसी तरह आपको ट्राइंगल्स और फोर साइडेड फिगर्स बनाना है। एक्टिविटी नंबर थर्ड, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, खेलने की चीजों में ट्राइंगल, सर्कल और फोर साइडेड फिगर तराश करना है। यहाँ पर कुछ खेलने की चीजों की तस्वीरें आपको नजर आ रही है। इसमें आपको ट्राइंगल, सर्कल और फोर साइडेड फिगर नजर आ रहे हैं। इसी तरह आपने भी दीगर खेलने की चीजों में ट्राइंगल, सर्कल और फोर साइडेड फिगर तलाश करना है। अब है लास्ट एक्टिविटी यानी एक्टिविटी नंबर फोर। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, ट्राइंगल, फोर साइडेड फिगर और सर्कल जैसे शेप यानी शक्लों की मदद से दिलचस्प तस्वीर बनाना है। मैंने यहाँ पर ट्राइंगल, सर्कल और फोर साइडेड फिगर की मदद से ये एक दिलचस्प तस्वीर बनाई है। इसी तरह की तस्वीर यानी पिक्चर आपको बनाना है और इसमें आप कलर भी कर सकते हो इस तरह। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये फोर एक्टिविटीज यानी चार सरगर्मियां कंप्लीट करनी है। दैट्स इट फॉर टुडे। आप इन फोर एक्टिविटीज को कंप्लीट कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू एंड गुड बाय।